व्हाट्स अप इट इज गैंग, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइस, आज की वीडियो में हमारे साथ है एक मेहमान जो कि बहुत क्यूट है। तो देखना चाहोगे उस मेहमान को? कंफर्म आपको पसंद आएगा। ये देखो, बहुत क्यूट है ना। तो इसी बात पे इस क्यूट सी बिल्ली के लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ, उसी के साथ एक अच्छा सा नाम भी मुझे सजेस्ट करना अपने कमेंट में। खैर, अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो के मेन मोटिव पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की ये वीडियो बहुत मज़ेदार और फनी होने वाली है। तो आगे आगे देखो होता है क्या। तो आज हम करने वाले हैं, मतलब मैं सोच रहा था कि हम माइनिंग करने चलते हैं, और उसकी सारी तैयारी मैंने करके रखे है। लेकिन उससे पहले इस क्यूट सी बिल्ली को पहले अपने घर के अंदर बिठा देते हैं, जिससे कि उसे कोई खतरा ना हो और मैं सेफ, मतलब वो सेफ भी रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो जाए। और अगर हम यहाँ पे देखें कि मेरे पास कितनी टोटल बिल्लियाँ हैं, तो एक, दो, तीन, चार और ये पांच, मतलब टोटल पांच बिल्लियाँ हैं हमारे पास। तो थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन आपको इन सारे के नाम मुझे सजेस्ट करने फटाफट से। अब जो बेसिक चीज़ें माइनिंग के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जिससे कि हमें कोई कमी ना पड़े और मैं आसानी से सर्वाइव भी कर सकूँ। और एक बेड भी ले लेता हूँ, उसी के साथ एक क्राफ्टिंग टेबल भी ले लेता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और बिल्डिंग मटेरियल भी ले लेता हूँ। अब बोट की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। तो यार, यहाँ पे सारी चीज़ें तो मेरी हो चुकी थी, मतलब ले चुका था मैं, लेकिन पहले उसे सॉर्ट कर लेता हूँ, फिर चलते हैं। तो भाई लोग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम कर रहे हैं गिव अवे रेडमी नोट 10 प्रो। तो उसमें शामिल होने के लिए बस आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और बस अपने कोई भी दो दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना। सो हरी अप एंड जॉइन द गिव अवे। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि इन पहाड़ों में मुझे माइनिंग करनी चाहिए, जिससे कि मुझे आयरन और कोयला और भी कुछ चीज़ें मिल सकते हैं। तो पहले इधर ही चलते हैं। और गाइज, मैं इस गिवअवे का विनर अनाउंस करने वाला हूँ 250 यानी कि 250 सब्सक्राइबर होने के बाद। तो यार, फटाफट से एंटर कराओ इस गिवअवे के अंदर। अब यहाँ मुझे सामने कुछ केव्स दिख रही है, तो आशा है कि हमें आयरन भी मिल जाए। ये देखो, यहाँ पर भी एक केव है, तो एक बार ही इसे चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, लेकिन मेरे पास तो टॉर्चेस है ना, तो थोड़ा उजाला कर लेता हूँ, जिससे कि उजाला होगा तो मॉब्स थोड़ा कम स्पॉन होंगे। और यहाँ मुझे अभी से ही जोम्बी की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ चौकन्ना भी रहना होगा, क्योंकि कहीं से भी हमला हो सकता है। लेकिन पहले जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो तीन रास्ते। एक काम करता हूँ, मैं राइट में पहले जाता हूँ, क्योंकि ओए, यहाँ तो मेरे स्वागत के लिए पहले से ही ज़ॉम्बी खड़ा है। मार दिया इसे भी। ओ भाई, एक और क्रीपर। ओ, ये किसने मारा? ओ, भागो 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 भागो, यहाँ से भागना पड़ेगा जल्दी से। बिल्ड कर लेता हूँ, बच गया। अरे यार, ये भाई कैसे आया ऊपर से? अरे यार, मुझे लगा था कि बच गया, लेकिन पता नहीं कैसे ऊपर चढ़ गया इसके लड़ने। हट बे, डोंट वरी गाइस, पहली बार मारा गया हूँ ना, होता है, बड़े बड़े वेटेक सिटी के अंदर ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, अगली बार अच्छा डिफेंड करेंगे। चलो, इस बार अच्छा ध्यान रखेंगे, चारों तरफ ध्यान रखेंगे, और
थोड़ा मतलब आराम से खेलेंगे, और मेरे जैसे ये यहीं से आया होगा चढ़ के। तो यार फिर से सारी चीज़ें सॉर्ट करनी पड़ेंगी, पर गाइस बहुत हार्ड हो रहा है ये सर्वाइव करना, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब यार इस बार हम यहाँ सामने की तरफ चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उससे पहले ये अपना बिल्डिंग मटेरियल वापस ले लेता हूँ, क्या पता आगे ज़रूरत पड़ जाए। पर यहाँ पर तो मेरे पास पिकैक्स ही नहीं है, चलो क्राफ्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मुझे फिर से स्केलेटन की साउंड सुनाई दे रही है, तो पहले एक काम करते हैं, ये पूरा ब्लॉक कर लेता हूँ और अपने क्राफ्टिंग टेबल को भी उठा लेता हूँ, फिर ये कॉपर स्टोन तोड़कर हम फटाफट से यहाँ से भाग जाएंगे। है ना ओपी आइडिया? तो पिकैक्स से तोड़ लेता हूँ पूरा सारा। आराम से जाना पड़ेगा भाई, अंधेरा बहुत है, तो मॉब भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कहीं भी आयरन या फिर और कौन सा ओर नहीं दिख रहा है। खैर आगे मिल जाए तो चलो आगे चलते हैं। अरे यार यहाँ पर तो डेड एंड है, अब फिर से पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन जाते जाते एक काम करता हूँ, टॉर्चेस भी उठा लेता हूँ। क्या पता आगे ज़रूरत पड़ जाए। अरे यार इस तरफ तो दो रास्ते जा रहे हैं, लेकिन एक काम करता हूँ इस लेफ्ट वाले में चला जाता हूँ, क्योंकि इस तरफ से बहुत, देखा मैंने कहा था ना इस तरफ बहुत मॉब आ रही है। अरे भाई तू कहाँ से आ गया थर्ड पार्टी करने के लिए? हाँ मार्स के लिए, इसे मार, हम दोनों की फाइट चल रही है और ये यहाँ पे बीच में हाथ साफ करने आया। हाँ मार। और इस पट से हेडशॉट के साथ ये स्किल भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो जो फटाफट से इसकी लूट भी लूट लेते हैं और फिर चलते हैं। अरे यार फिर से एक और आ गया। अरे भाई वीडियो को आगे तो बढ़ने दो, एक के बाद एक आए जा रहे हो भाई, रोल प्ले का पूरा कबाड़ा करने पे तुले हो तुम लोग। ये देखो अब ये क्रीपर, मतलब इसकी ही कमी थी। आजा भाई आजा, तू भी आजा। अरे और कितने लोग आओगे, वीडियो को आगे तो बढ़ने दो। चलो आखिरकार अब सारी मॉब खत्म हो गई, तो चलो लेफ्ट में एक्सप्लोर कर लेते। और इतनी देर से अब तक मुझे एक भी और नहीं मिला है। तो यार और एक आ गया, मार दिया इसको भी। मतलब भाई आयरन ओर तो दूर की बात, यहाँ मैं बस इन मॉब को ही मारने में भेजू, आधे से ज़्यादा वीडियो पूरी हो गई। आजा भाई तू भी आजा। अच्छा हुआ खुद ही खुल गया। ये देखो एक और आ गया, आजा भाई तेरी कमी थी। तो भाई इसको भी मार दिया। तो अब खैर यहाँ पर भी दो रास्ते, तो अब जाए तो जाए कहाँ पर, यहाँ इस तरफ तो बहुत अंधेरा है, तो इस तरफ भी देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं लेफ्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, एक काम करता हूँ उस राइट वाली जगह को पहले एक्सप्लोर कर लेते, क्योंकि यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है कौन कहाँ से आ जाए और मुझे मार जाए।
तो पहले इस तरफ एक्सप्लोर कर लेते हैं। थोड़ा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही भूल भुलैया टाइप है ये एरिया पूरा। अब यहाँ पर भी तीन रास्ते हो गए। ओ भाई, देखा मैंने बोला था ना कि कोई भी कहाँ से भी अचानक से कोई आएगा और गलत सीन हो जाएगा, जैसे कि स्क्रीपर ने किया। और पता नहीं कितनी मॉब मारनी बाकी है, सारे के सारे मेरे ही पास आए जा रहे, पता नहीं क्यों। फिर यहाँ पे तीन रास्ते हैं, लेकिन इनमें से किसी के अंदर जाने से पहले वो पीछे वाली जगह एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर बाद में यहाँ पे आऊँगा। और यार यहाँ तो पहले से ही ये बंदा खड़ा है, मतलब इनको इतनी बड़ी तादाद में नहीं आना था। पूरा रोल प्ले का कबाड़ा कर लिया यार, मतलब कोई भी नहीं सुनता। ये देखो एक और, आधी से ज्यादा वीडियो खत्म होने को आ गई। सारे के सारे रोल प्ले का कबाड़ा करने के लिए तुले पड़े हैं। हाँ तू भी आ जा, तेरी कमी थी, आ जा। मतलब सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर। तो गाइज मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यार एक बार ही लास्ट मैं यहाँ पे देखूंगा, और अगर अब कोई मॉब दिखी तो मैं तो यहाँ से निकल ही जाऊंगा और दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी हमें माइनिंग के लिए। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता बना लेता हूँ। ये देखो एक और आ गया, मतलब सारे मिलके सच में मुझे ही बेवकूफ बना रहे। ओ भाई ये इतने जल्दी कैसे पास आ सकता है यार ये? मुझे लगा कि थोड़ा सा दूर होगा, पर इतने जल्दी पास कैसे आ गया ये पता नहीं यार, गलत ही स्कैम चालू है। खैर अब आ ही गया हूँ तो यहाँ पे सो जाता हूँ, सुबह जाऊँगा वहाँ सामान लेने। अब एक बार फिर से सारी चीज़ें सॉर्ट कर लेता हूँ और एक लास्ट बार ट्राई करेंगे कि आयरन कहीं पर तो मिल जाए, नहीं तो किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा मुझे माइनिंग के लिए। बहुत हो गए, क्योंकि यार यहाँ से मतलब अभी तक एक भी आयरन और भी दिखा नहीं है मुझे, पता नहीं क्या स्कैम चल रहा है। अब शायद से मॉब नहीं है यहाँ पर गाइस एक चीज़ अभी तक मुझे स्ट्रेंज लगी है कि अभी तक मुझे यहाँ पर एक भी आयरन नहीं दिखा है, पता नहीं क्यों। नहीं तो आयरन आसानी से मिल जाता है माइनक्राफ्ट के अंदर। और एक बार फिर से मुझे यहाँ पे जॉम्बी के साउंड सुनाई दे रही है, पता नहीं कहाँ पर है। ये लो आ गया। अरे यार मुझे मेरी वीडियो तो कंप्लीट करने दो, बाद में मिलके सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना। ओ भाई रुक गया ये तो, मतलब मेरी बात इसे समझ में आ रही है, लेकिन तुझे तो मरना पड़ेगा भाई। एक और यहाँ पे आ गया। तो गाइस यार बहुत हो गया, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि मतलब इनको मैं इतना मारते जा रहा हूँ और ये बंदे आते ही जा रहे, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन जाते जाते मैं यहाँ से अपनी टॉर्चेस ले लेता हूँ और मुझे यहाँ पे स्केली की साउंड भी सुनाई दे रही है, तो जल्दी से ऊपर चला जाता हूँ। लेकिन मैं ऊपर तो आ गया और इन लोगों ने मुझे बहुत सताया, तो इन्हें मारे बगैर तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। पहले स्केली को पकड़ दे, पट से हेडशॉट। और ये भी पट से हेडशॉट, और इसी के साथ ये भी खत्म।
हाँ, ले लो, बारी बारी से आना है, धक्का बुक्की नहीं करनी है, सबको प्रसाद मिलेगा। अरे यार, मेरे आयर उस तो यहाँ पे खत्म हो गए। एक काम करता हूँ, इनको शॉर्ट से मार देता हूँ। क्या से क्या भाई, शॉर्ट से मारने के चक्कर में इनको मतलब नीचे ही गिर गया मैं। ले जाए जाने का। अरे यार, ये बंदा ऊपर क्या कर रहा है? खैर, इसको बाद में देखेंगे, पहले मैं अपना सामान ले लेता हूँ, क्योंकि पता चला सामान डिस्पॉन हो गया तो फिर सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अब चलता हूँ उस बंदे के पास। पता नहीं क्यों क्या हो रहा है अपने इस सिटी के अंदर, एटेक्स गैंग। और अगर इस बंदे को कुछ हुआ ना तो यार चीफ मुझे बहुत डांटेगा। मतलब खुद तो चीफ बना पड़ा है लेकिन सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और ये बंदा कहाँ पे चला गया? शायद से छत दुरुस्त करने के लिए। हाँ, ये रहा यहाँ पे। तो भाई अगली बार ऊपर नहीं चढ़ना है, मुझे बता दो कुछ काम होगा तो। खैर, तो गाइज आज की वीडियो में तो हम माइनिंग करने वाले थे, लेकिन जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि पूरा रोल प्ले का यहाँ पे कबाड़ा हो चुका था, लेकिन अगली बार हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो यार, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि आप मेरी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, गिव अवे के अंदर एंटर भी करना मत भूलिएगा।